हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आशा है अच्छे ही होंगे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं पिक्सआर्ट फोटो एडिटिंग आप मोबाइल ऐप के अंदर कैसे कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जाकर सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को बिना देर किए। सबसे पहले चले जाना है पिक्सआर्ट ऐप के अंदर। यहाँ से मैं चले जाता हूँ पिक्सआर्ट ऐप के अंदर। सबसे पहले हमें ऐड कर लेना है हमारा बैकग्राउंड को, तो मैं यहाँ से बैकग्राउंड ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस, यहाँ से बैकग्राउंड ऐड करने के बाद हमें यहाँ से चले जाना है ऐड फोटो पर। यहाँ से हम अपने मॉडल का फोटो ऐड कर लेंगे, तो मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ अपने मॉडल का फोटो। यहाँ से ऐड करने के बाद इसको एडजस्ट कर देंगे। गाइस, मैंने इसका बैकग्राउंड पहले से रिमूव कर रखा है। अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं आता बिल्कुल प्रोफेशनली, तो गाइस जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर वीडियो को देखो कैसे बैकग्राउंड को रेज करता हूँ मैं। सो गाइस, वहाँ से जाकर आप वीडियो देख लेना। इसको सबसे पहले हमें इसको एडजस्ट कर लेना अच्छे से। तो मैं यहाँ से एडजस्ट कर लिया हूँ फोटो को। गाइस, इतना करने के बाद यहाँ से डन पे क्लिक कर देना है राइट पे। इसके बाद गाइस हम चले जाएंगे ड्रॉ टूल के अंदर। यहाँ से ड्रॉ टूल के अंदर जाने के बाद ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है और ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से ब्रश की सेटिंग आप देख सकते हैं, हार्डनेस को 1% रखना है एंड कैपेसिटी को हल्का सा माइनस में रख लेना है 93 आसपास, और साइज अपने हिसाब से रख लेना है। यहाँ से हम शूज के नीचे कर लेंगे। गाइस, इतना करने के बाद यहाँ से इरेजर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से कैपेसिटी को हम बिल्कुल कम कर लेंगे। यहाँ से इसकी हार्डनेस को भी 1% रख लेना है। इसका साइज़ को आप अपने हिसाब से कर लेना, इसको सेट कर देना हल्का सा शेडोज को। यहाँ से इतना करने के बाद राइट वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से डन कर देना है। तो गाइस, इसके बाद चले जाना है हमें ड्रॉ टूल के अंदर। थोड़ा सा रियल इफेक्ट डालेंगे हम इसमें, ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। तो इसके आसपास कर देना है यहाँ से हल्का सा, तो यहाँ से मैं कर देता हूँ। तो गाइस, इतना करने के बाद यहाँ से डन कर देना है। यहाँ से डन कर देंगे हम। तो गाइस, इसके बाद हम जाएंगे अपने ड्रॉ टूल के अंदर चले जाना है, एडजस्ट के अंदर चले जाना है यहाँ से। तो हम यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे अपने फ़ोटो को। यहाँ से हल्की सी ब्राइटनेस को बढ़ा लेंगे हल्का सा, 2% तक लेना है ब्राइटनेस को। यहाँ से कॉन्ट्रास्ट पर आते हैं हम, यहाँ से कॉन्ट्रास्ट को भी हल्का सा बढ़ा लेंगे 11%। एंड गाइस, क्लियरिटी को भी हल्का सा बढ़ा लेना है 2% रख लेना है। और सैचुरेशन को गाइस यहाँ से हमें बढ़ा लेना है हल्का सा। यहाँ से सैचुरेशन को हम बढ़ा लेंगे, यहाँ से 4% रख लेना है। इसके बाद हाइलाइट्स पर चले जाना है हमें। यहाँ से हाइलाइट्स को हल्का सा माइनस में रखना है। और गाइस, यहाँ से शेडोज़ पर चले जाते हैं, शेडोज़ को हमें बढ़ा लेना है। यहाँ से बढ़ा लेते हैं। और इसके बाद गाइस टेम्परेचर पर आ जाते हैं हम। यहाँ से टेम्परेचर को हल्का सा माइनस में रख लेना है और यहाँ से डन कर देना है। गाइस, इसके बाद हमें चले जाना है ड्रॉ टूल के अंदर। हम अपना फ़ोटो सेव कर लेंगे वहाँ पे। गाइस, बिल्कुल क्वालिटी HD क्वालिटी में। तो यहाँ से सेव इमेज पे क्लिक कर देना है 3 डॉट पे क्लिक करके। तो गाइस, हमारा फोटो गैलरी में सेव हो जाएगा। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।